स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि दर्शन ज्योति में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं त्रिजुगी नारायण, तो आप सभी वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, दिखाते हैं हम कैसा रहा हमारा सफ़र और कैसा है त्रियुगी नारायण मंदिर का नज़ारा। हम आ चुके हैं तिलवाड़ा बाजार में, दिखाते हैं आपको तिलवाड़ा बाजार। देखो केदारनाथ रोड में कैसा हाल हो रखा है गाड़ियों का, जिस हिसाब से स्पेस है गाड़ी रोड की और उसके अकॉर्डिंग गाड़ी वालों को इतना तो कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए कि अगर एक जा रही है तो दूसरी को थोड़ा रुके, वेट करें। और इधर देखो आप देख सकते हो ना, इधर की जा पा रही है ना उधर की आ पा रही है, मोटे दिमाग इकट्ठे हो रखे हैं। रोजाना की गाड़ी चलाते हैं और चलते ऐसे जिसे पता नहीं है कि रोड कैसी है और किस हिसाब से चलना चाहिए। ये देखो दोस्तों पीछे भी लाइन लगी हुई और आगे तो लाइन लगी हुई है ही। लापरवाह चलो चलाओ 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 इतना लंबा जाम लगा है उस बस में। वो ये तो मैं मोटा दिमाग क्यों कह रहा हूँ ऐसे, थोड़ी बात ठीक है ना सारा पागल को तो कहीं ना पता नहीं कि इस गाड़ी हमारे घर से त्रिजुगी नारायण 2.5 घंटे का और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का रास्ता है, पर हमें इतना ज़्यादा जाम मिल रहा है कि पहले हमें गुप्त काशी से पहले 2-3 बार हुआ, गाड़ी अलग तरीके से आ रही थी गलत तरीके से, इसकी वजह से जाम मिला। अब क्या हो रखा है, अभी हम गुप्त काशी क्रॉस करके थोड़ा आगे फाटा साइट आए हैं तो यहाँ पे क्या बारिश की वजह से पत्थर नीचे आ गए और उसके वजह से इतना लंबा जाम हो गया कि हमें 1.5 घंटा हो गया होगा तब से हम बैठे हुए और धूप इतनी हो रही है। तो जानते हैं क्या 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 कहता है नानी, क्या कहना चाहोगे? त्रिजुग नारायण का कैसा आना, मैं त्रिजुग नारायण मिले हम नाराज हो गए। वहाँ तो पहुँच जाएंगे कोई बात नहीं है, पर अब ये तो यहाँ कितनी जल्दबाजी है, यहाँ से बस आ रही है, इधर से बाइक वाले भी ना आने की छोड़ रहे ना जाने की छोड़ रहे हैं। ये देखो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं त्रिजुगी नारायण, घर से निकले थे 9 बजे और जबकि हम निकले थे रुद्रप्रयाग से। वैसे डिस्टेंस रुद्रप्रयाग से त्रिजुगी नारायण का जो है सिर्फ 2.5 से ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का, पर आप मानोगे नहीं 9 से लेके अभी 4:30 हो चुके हैं और अभी तक हम नहीं पहुँचे, अभी तक सोनप्रयाग भी नहीं पहुँचे, 1 किलोमीटर सोनप्रयाग बचा हुआ है। तो दोस्तों बता नहीं हम किस समय पहुँचते हैं, आरती अटेंड कर पाते या नहीं कर पाते, तो वीडियो में बने रहना आप आखिर तक। दोस्तों अब अंधेरा भी हो चुका और यहाँ अगर आप देखेंगे रोड बहुत ही छोटी है और साथ में एक बहुत बड़ा ट्रक निकला, तो इसके वजह से गाड़ियों को बहुत दिक्कत हुई साइड करने में, गाड़ियों को निकलने में। दोस्तों 7 बज चुके हैं और हम अभी तक अपनी जगह में नहीं पहुंचे हैं और बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। अब ये भगवान जी जाने कि हम उनकी आरती देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, हमने सोचा था 6:30 बजे पहुंचे आरती देखें पर आरती नहीं देख पाए, रास्ता देख लिया पर हमने पूरा रास्ता देख लिया है। तो दोस्तों वीडियो देखते रहना क्या होता है एंड में, आपको भी पता चलेगा हम क्या करते हैं आगे चल के, क्योंकि हम निकले थे 9 बजे और अब बज चुके हैं 7।
जबकि हम रहते हैं रुद्रप्रयाग मेन मार्केट साइड, और हम वहां से लेके अभी तक 7 बज गए, 9 से 7, मतलब इतने घंटे में लोग रुद्रप्रयाग से दिल्ली और तो और पंजाब साइड भी निकल जाएंगे इतनी देर में, और हम सिर्फ रुद्रप्रयाग से लेके ये त्रिजुगी नारायण तक नहीं आ पाए, और जिस हिसाब से इतना ज्यादा ट्रैफिक था इस वजह से, क्योंकि आजकल यात्रा सीजन चल रहा है तो केदारनाथ वाले लोग बहुत भीड़ की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, जैसे कि छुट्टियों का टाइम भी है, तो इसलिए तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों फाइनली बहुत ही लंबे सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं त्रियोगी नारायण मंदिर में, तो आप भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों यह है विष्णु कुंड, तो अब हम आए हैं त्रिजुगी नारायण मंदिर में, तो दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा, तो वीडियो पे लास्ट तक बने। लोग गाना गा रहे थे ना, तो मुझे हाँ आपकी भाषा भी पहाड़ी गढ़वाली जैसी लग रही है। नहीं जैसे अभी आपने बोली ना अपनी भाषा, मुझे ऐसे लग रहा है गढ़वाली टोन, गढ़वाली आती ना बोली वैसे मिलती। हाँ अच्छा, तो आप शिमला? अच्छा तो मंदिर में दर्शन के लिए? अच्छा बहुत सुंदर। अच्छा पूरे फैमिली आई होगी? सही है। अच्छा सही है आंटी जी, भांजा भांजी की बन गई, सब सब रिश्तेदार। सही, ऐसे अच्छा भी लगता है ना, अच्छा सारे लोग आते हैं तो, और ऐसे मंदिरों में जाए सारे में। अच्छा है अब केदारनाथ, और जाते हुए आंटी रुद्रप्रयाग होके जाओगे ना, संगम घूमे आप? संगम भी जाना, मेन जो गुफा आती है ना गुफा, वहाँ से आप संगम में भी जाना रुद्रप्रयाग के, जब आप आए हो तो। और अगर अपनी गाड़ी है तो वहाँ पे कोटेश्वर महादेव का भी मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। मतलब रुद्रप्रयाग से 3 किलोमीटर का रास्ता है कोटेश्वर महादेव का, बहुत सुंदर मंदिर है। और वहाँ पे जहाँ पे जब शिवजी जी के पीछे भस्मासुर पड़े थे ना, तो वो उस गुफा में जाके बैठे थे। बहुत मतलब मान्यता वाला मंदिर है, बहुत सुंदर है, हो ना तो जाना, बहुत सुंदर है। ठीक, आगे लोग आगे लोग। हमारे घर जो है कुछ लोग सुबह 5 बजे।
कितने कुंड का पानी है? 7 कुंड का पानी इसमें। दोस्तों, मंदिर के अंदर जो ये अखंड ज्योत जल रही है, कहा जाता है ये तीनों युगों से ज्योत जलती आ रही है, और इसी के समक्ष शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, और यह अभी तक तीनों युगों से चलती आ रही है, और इसी के कारण मंदिर का नाम त्रियुगी भी पड़ा। बारिश भी होने लग गई है। तो दोस्तों, जैसे कि हम त्रिजुगी नारायण में आए थे और हमने सोचा था कि एक ही दिन में अप डाउन हो जाएगा रुद्रप्रयाग तक, पर हुआ क्या, हम लोग सुबह 9 बजे पहुंचे और मंदिर में 7 बजे पहुंचे, तो हमें फिर यही रुकना पड़ा। तो त्रिजुगी नारायण के जस्ट बगल में भैया का रूम ले रखा है, भैया यही त्रिजुगी नारायण स्कूल में टीचर है, तो उनका रूम भी बिल्कुल मंदिर के पास ही है, तो हम उनके रूम में आए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।